वेलकम टू ब्लॉगिंग टेक्स गाइस। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हो और साथ ही कैसे आप साइट मैप भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो या बोल सकते हैं जनरेट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। तो ये दो टॉपिक मैं आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। तो नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड छोटी सी छोटी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ और आप लोग जो भी चीज़ कमेंट करते हो उसका वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ। सो इसलिए आपको ये चीज़ कर लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए वीडियो को भी लाइक कर देना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ जाके, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रीमियम चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप अपना ब्लॉग कस्टमाइज़ कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, और साथ ही देखा था कैसे आपको आर्टिकल वगैरह लिखना है। तो ये रहा हमारा ब्लॉग का डैशबोर्ड। सो मैं एक न्यू टैब में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सर्च कंसोल, ठीक है। सर्च कंसोल लिख के आपको एंटर कर देना है गूगल पे, और जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कैसे आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है, ठीक है। और साथ ही मैं आप लोग को बता भी दूंगा आगे कि साइट मैप क्या होता है, क्यों जनरेट करना रहता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। सो यहाँ पे आने के बाद आपको अपने जो ब्लॉग का एड्रेस है या आपने कस्टम डोमेन ले रखा है गोडैडी से या कहीं से भी, सो उसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके यूआरएल पे प्रीफिक्स पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को वेरीफिकेशन करना होगा, यानी HTML ये फाइल है हम लोगों को यहाँ पर डालनी होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे HTML टैग यूज़ करेंगे। सिंपल यहाँ पे HTML टैग, ये जो सेकेंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड आपका HTML फाइल है, सेकेंड HTML टैग है, ठीक है। आपको सिंपल ये कोड कॉपी करना है और ब्लॉगर पे जाना है, यहाँ पे थीम के सेक्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है कस्टमाइज के साइड में, आपको इस पर आपको क्लिक करना है और एडिट HTML पे जाना है। और ये जो ब्लॉग का आपका पूरा सोर्स कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको कहीं भी क्लिक करना है और कंट्रोल F करना है और यहाँ पे आपको हेड लिखना है, ठीक है। यानी हम लोगों को ये जो कोड है वो हेड में पेस्ट करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एंटर मारना है और सिंपल ये कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये सेव का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, जब तक ये अपडेट ना हो जाए तब तक आपको वहाँ पर नहीं जाना है। और यहाँ पे जब ये अपडेट हो जाएगा तो हम लोगों को इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लेना है, जिससे ये जो चीज़ है पूरी तरह से अपडेट हो जाए, बाद में दिक्कत ना हो हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज़र में मैं जाता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये चेकिंग वेरीफिकेशन होगा और अगर कोड सही से पड़ा हुआ तो हम लोगों का वेरीफाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोगों की जो वेबसाइट है वो वेरीफाइड हो गई है। गो टू प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है और अब हम लोगों को यहाँ पर साइट मैप जनरेट करना है, ठीक है, क्रिएट करना है या ऐड करना है। तो ये जो ओवरव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक का कितना आ रहा है मंथली वो सब कुछ शो करेगा और कौन से कीवर्ड से आपका आ रहा है, कौन से पोस्ट से आ रहा है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। कीवर्ड वगैरह यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाके आपको यहाँ पे नीचे सब कुछ कीवर्ड दिख जाएंगे, कंट्री वगैरह, डिवाइस, पेज, सब कुछ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, साइट मैप ऐड करना है और ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ साइट मैप क्या होता है। तो आप अपनी ब्लॉगिंग की जो भी वेबसाइट है वहाँ पे आओ, यहाँ पे स्लैश लगाओ और साइट मैप लिखो, ठीक है, साइट मैप डॉट XML, ये XML फाइल में होता है। तो यहाँ पे आपने जो भी पोस्ट कर रखे हैं, ठीक है, जैसे मैंने तीन पोस्ट कर रखे हैं, एक का जो टाइटल था सब्सक्राइब टू ब्लॉगिंग टेक्स और इसका, ये दो सेम टाइटल थे, ठीक है। तो साइट मैप क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो कुछ भी है वो XML फाइल में कोड बना देता है, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझ लो, आपकी वेबसाइट पे जितना भी डेटा है वो साइट मैप में आ जाता है और इसी URL को हम लोगों को यहाँ से उठाना है, कट करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो URL लिखा है अपना, ये हम लोगों को हटा लेना है और ये जो स्लैश है उसको भी हटा लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखो इतना ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। और सिंपल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है।
बस आपको इतना करना है, देख सकते हो साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, ये सब कुछ सबमिटेड हो गया है, ठीक है। जब आप कोई भी पोस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और आपका जो पोस्ट है वो गूगल में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका पोस्ट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपका पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट है, ठीक है, तो जैसे ये पोस्ट है इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ऊपर इंस्पेक्ट एनी URL, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंट्रोल बी करके, यहाँ जो भी URL कॉपी किया आपको आपने वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये डेटा निकाल के दे देगा कि ये इंडेक्स है या नहीं है, तो ये इंडेक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़े टाइम में, अगर हमारी वेबसाइट नई है तो थोड़े टाइम में इंडेक्स हो जाएगा, अगर पुरानी वेबसाइट है तो ऑटोमेटिक ये काम होता रहता है। अगर आप वेबसाइट पर अपडेट रहते हो तो आप जैसे ही पोस्ट करोगे 5-10 मिनट में आपको बिना ये प्रोसेस किए आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में शो हो जाएगा, ठीक है। तो साइट मैप का काम यही रहता है कि इनके बॉट्स को बताना रहता है कि ये पोस्ट आई हुई है, इसको गूगल में ऐड कर दो, गूगल सर्च इंजन में ऐड कर दो। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है तो मैं एक वेरिफिकेशन कर देता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ दी गई है वो तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं सिंपल इसको वेरीफाइड कर देता हूँ अभी। तो ये वेरिफिकेशन हो गया यहाँ पे, ये देखो रिक्वेस्टेड ऐड हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना जो साइट मैप है वो ऐड कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ आपको यही करना है। और जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगेगा तो यहाँ पे सब कुछ शो होने लगेगा धीरे धीरे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।